हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू में। दोस्तों, हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल ऑफ पटना जिनका रिक्वायरमेंट पर्सनल असिस्टेंट का आया था, उसका ऑनलाइन जो स्टूडेंट किए थे उसका फॉर्म स्टेटस का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। तो आप लोग जाके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है या आप में किस तरह का फॉल्ट है। वो स्टेटस यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। तो आपको हम स्टेटस करने से पहले एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, उसके बाद आपको फॉर्म स्टेटस करने का भी प्रोसेस बता देंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो इसमें था पर्सनल असिस्टेंट का, ग्रेजुएट जो स्टूडेंट किए थे वो लोग ये फॉर्म भरे थे। उसके बाद इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट साथ में आपका कंप्यूटर नॉलेज था, जिसका एप्लीकेशन फ़ी जनरल के 700 और जनरल बीसी के लिए 350 और SC ST कैंडिडेटों के लिए 175 रुपीज़ था। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं रिचरमेंट के कैटेगरी भी है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इस का जो एग्ज़ामिनेशन होगा तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है। इसमें आपका सिलेक्शन सबसे पहले तो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस पे है, और डायरेक्ट रिक्वायरमेंट आपका सीधा यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे कंप्यूटर पे टेस्ट देना होगा, टाइपिंग टेस्ट, शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट विद मिनिमम स्पीड 80 WPM फॉर 800 वर्ड्स ओनली। तो आपका 80 वर्ड शब्द प्रति मिनट 800 वर्ड टाइप करने होंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये जो रखा गया है रिक्वायरमेंट 10 मिनट में एंड 35 मिनट फॉर इट्स ट्रांजेक्शन अलॉन्ग विद 15 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे नॉलेज देखा जाएगा कि आपका एक्यूरेसी कितना है। तो एक्यूरेसी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 90% इंग्लिश में शॉर्ट हैंड टाइपिंग एक्यूरेसी रहना चाहिए, और 95% इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट और 60% इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर टेस्ट, ठीक है। तो आपका यहाँ पे स्पेलिंग देखा जाएगा, आपका फ्रेज देखा जाएगा, सब कुछ यहाँ पे एक्यूरेसी के हिसाब से, जिसका एक्यूरेसी अच्छा रहेगा उसे यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू में आपको 30% मार्क लाना होगा ओरल, जो 30% मार्क्स इन ओरल इंटरव्यू, तब जाके इसका शॉर्ट लिस्ट बनेगा और आपको अपॉइंट किया जाएगा। तो चलिए अब आपको हम बता देते हैं कि इसका आपको कैसे स्टेटस चेक करना है। तो ये लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे जैसे क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद आप लोगों को इस तरह का पेज खुलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है, जहाँ पे आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करके अपना स्टेटस देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखिए ये आ चुका है, यहाँ पे अपना जैसे यहाँ पे प्रेस करिएगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल करने के लिए आपको मांगेगा। तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिए, डेट ऑफ बर्थ दे दिए और सबमिट बटन पे आप अपना यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आप लोगों के लिए हम ट्रू एवं 100% आपको इस चैनल पर अपडेट मिलेगा जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन, न्यू नोटिफिकेशन, क्योंकि आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे सारा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन समय पे अपडेट होते रहता है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि हमारा उत्साह बढ़े दोस्तों, और आप लोगों के लिए हम अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन लेके आते रहें समय पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।